केनिया में मुझे अरेस्ट किया था, और रीज़न ये था कि वो मुझसे पैसे मांग रहे थे और मेरे पास पासपोर्ट नहीं था। और यहाँ पे दिल्ली में मुझे जिस चीज़ के लिए अरेस्ट किया गया, अगर वो आप जानेंगे तो बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। आखिरी आपको लगाएंगे, खाना खा लीजिए, उसके बाद आपको हथेली लगा जाएगा। ओके, पहले बताओ अरेस्ट किस कारण से किया? अरेस्ट आप किस? Hey everyone, you are Jacob Bhai, Mr. Gaffar Khan, once again welcome back to YouTube channel. हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि आपको तगड़ी सी तगड़ी चीज़, तगड़ा कंटेंट दिया जाए, और इस बार एक बार फिर से पहले मैं अरबाज़ व्लॉग्स को थैंक्स कहना चाहूँगा। वो भाई यहाँ पे आए थे, दिल्ली में हूँ मैं और मुझे भी मौका मिल गया। आपको मैंने एक रेस्टोरेंट बताया था जहाँ पे डेफ और डम काम करते हैं, ना तो सुनते हैं ना तो वो बात करते हैं, वो दिखाए थे। लेकिन आज मैं आपको एक जेल में लेके जा रहा हूँ, ऐसी जेल पर लेके जा रहा हूँ जहाँ पर आप नाराज़ नहीं खुश होंगे। अक्सर लोग जाते हैं जेलों में तो नाराज़ होते हैं, परेशान होते हैं, पर मैं आपको एक ऐसी जेल में लेके जा रहा हूँ जहाँ पे खाना दिया जाता है और रेस्टोरेंट की तरह सर्व किया जाता है और खुशी मिलती है वहाँ पे। मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, लंच करूँगा, खाना खाऊँगा, आप लोगों को भी दिखाऊँगा क्या है वहाँ पे, सब आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। सो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा। ये कितने प्यारे बच्चे हैं, हेलो हाय, क्या नाम है आपका? आयुष्मान। नहीं, आयुष मंडल। आयुष मंडल, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ बी। अच्छा, वेरी गुड, फोर्थ बी पहुंच गए आप। फोन यूज करते हो? आपने फोन चलाते हो? नहीं ज्यादा चलाते हो, थोड़ा चलाते हो? ज्यादा। फोन ज्यादा चलाना चाहिए, थोड़ा चलाना चाहिए? ज़्यादा चलाने से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? आँख खराब हो जाती है। आँख खराब हो जाती है, आँखें मुड़ जाती है, मेमोरी वीक हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। स्वीट सा बेबी है, फ़ोन चलाते हुए देखा तो फ़ोन मैंने इनको बताया कि बच्चों को ज़्यादा फ़ोन मत यूज़ करने दें, उनकी आँखें मुड़ जाती हैं, मेमोरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बहुत सारे इशूज़ हो जाते हैं। अपने बच्चों का खास ध्यान रखें, स्पेशली फ़ोन के रिलेटेड। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ द केज काफ़ी उसका नेम है, वहाँ पर जेल की तरह सर्व होता है, फूड होता है, सब कुछ बिठाते हैं। क्या है मुझे उतना खास आइडिया नहीं, जाके ही अंदर पता चल जाएगा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा कुछ दिखता है बाहर से द केज कैफ़े, जो कि है कृष्णा नगर में, पूरी जेल की तरह है। अभी तो बंद ही बंद दिख रहे हैं, पता नहीं, वैसे ओपन तो लिखा हुआ है, ओपन होगा पक्का। अंदर जाके खुद भी देखता हूँ, आप लोगों को भी दिखाता हूँ। फिलहाल जनाब मैं ले रहा हूँ एंट्री यहाँ पर केज कैफ़े में, जो कि कृष्णा नगर में। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, बाहर से भी आप देख सकते हो जो दरवाज़ा होता है जेलों का वैसे ही दिख रहा है। हाय सर, मैं ब्लॉगर भी हूँ, मुझे खाना भी खाना है, आइए। वीडियो लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कल मेरी एंट्री होगी, आप लोग देख सकते हो पूरे के पूरे यहाँ पे जो सर्वर वगैरह भी हैं, जो जॉब भी करते हैं पुलिस की यूनिफॉर्म को लेके ही। सर हाय, जानना चाहूँगा ये क्या है, क्या कॉन्सेप्ट था? क्यों हमारा केज कैफे है? ये जेल रेस्टोरेंट इसको बोला जाता है, और यहाँ पर जेल का थिंग है, और उन्हीं के अनुसार से उन्हीं का अनुसार से सर ये पूरा थीम बना हुआ है, और उन्हीं के अनुसार से वर्दी भी है प्रोवाइड हमको हुआ है, जो बेटर है हम यहाँ के, जैसे हम कैशियर हैं। और ये सारा सेक्शन जो देख रहे हैं, एक काली पोल्ट्री उम्र कैद धारा 307 ये सब इंक्लूड है। जेल के इसके मतलब रेस्टोरेंट के नाम से लगाया था, जेल का पूरा थीम है, ठीक है जी। ये कृष्णा नगर में पड़ेगा आपको? हाँ बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको कृष्णा नगर में बताया, तो मैं सर से ये क्वेश्चन करना चाहूँगा, कंसेप्ट बहुत बढ़िया है, बहुत धमाकेदार कंसेप्ट है यार। अगर आप ये देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त दिख रहा है, पूरा जेल के अंदर बैठ के अच्छे अच्छे कपड़े लगा के यहाँ पे फूड को एंजॉय कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, बताइए आपको जेल बनने का शौक था या जेल में जाने का शौक था, या फिर क्या शौक था जिसकी वजह से आपने ये कंसेप्ट दिया और यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है भैया, ये हमारे मालिक के आधार पर है, और ये हमें वर्दी प्रोवाइड हुआ है, और हम बेटर है यहाँ पे सर्विस करते हैं, तो हमें अच्छा फीलिंग होता है कि हम किस वर्दी पहन के हम जेल के कैफे में जेल बहुत ही ज़बरदस्त यार। मैं तो यहाँ पे खाना एंजॉय करने लगा हूँ, आप लोगों को भी एंजॉय करना है तो वाइट करता हूँ, बैठाता हूँ। ओके, हम मिलू देना, आप बैठे वहीं पर। दुनिया की पहली जेल है यहाँ पे, आप नाराज़ नहीं, आप खुश हो जाएंगे। ये कंसेप्ट भी देखिए, जेल में जैसे कि वो लाइटिंग वगैरह होती है, थोड़ी थोड़ी लाइट होती है वैसे के वैसे ही, और पहली जेल होगी जहाँ पे आके आपको दुख नहीं खुशी फील होगी। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, आप भी आइए यहाँ पे और सब कुछ मज़े करते हैं। रुकना आप एक सेकेंड,
जनाब खाना वाना तो मेरे पास आ गया, लेकिन मैं सर ये पूछना चाहूँगा, ये जो आप खाना मुझे दे रहे हो जेल का खाना है, आप मुझे ये पहले बताओ अरेस्ट किस कारण से किया है? अरेस्ट आप इस कारण से किया है कि आप हमारे घर आइए और हमारा जो फूड है उसको आप टेस्ट कीजिए और बताइए सर आप कैसा फीलिंग कर रहे हैं और इस कैफे में आपको कैसा आपको फील महसूस हो रहा है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। मीन्स आप अपने कस्टमर्स को प्यार करते हो? अच्छा, कस्टमर को बहुत प्यार करते हैं और कस्टमर को जो चीज़ हमारे पास नहीं मिलता है उसको प्रोवाइड करके हम उसको खुश करके भेजते हैं। ओके सर, तो ये हथकड़ी मुझे लगाएंगे आप? ये हथकड़ी आपको लगाएंगे, खाना खा लीजिए उसके बाद आपको हथकड़ी लगा जाएगा। ओके, और 357 का आपको धाड़ा लगेगा। ओके, उसके बाद आपका बेल होके आपको रिहाई किया जाएगा यार। ओके, तो अभी जी सर मुझे लॉकर में रखा हुआ है, कौन सा लॉकर है ये? ये लॉकर है सर आपका 420 आप नंबर है, इस लॉकर में आपको हम प्रोवाइड किए हैं, बंद है और जब खाना खा के आप जब जाइएगा उसके बाद आपको मिल जाएगा। मतलब मैंने 420 का काम किया है, 420 का काम किया है जिसके ऊपर आपको ऊपर धाड़ा लगा हुआ है। पहली जेल है, यहाँ पे आप गलत करके आए तो आपको अच्छे से अच्छा खाना दिया जाएगा, खाना देने के बाद आपको हथकड़ी डाली जाएगी, उसके बाद आपको आराम से यहाँ से रिहा किया जाएगा। तो फिलहाल हम खाने को एंजॉय करते हैं। मैंने मंगाया यहाँ पे ये मटर पनीर है और साथ में ये रोटी मंगाई है, खाना खाते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। बिल्कुल बैठा हुआ हूँ मैं जेल में और खाने को करने लगा हूँ एंजॉय अभी में। अच्छे से दिख रहा हूँ थोड़ा पास, ये भी दिख रही है ये भी? हाँ हाँ सर, ये जनाब आप देख सकते हो कि मेरे हाथों में हथकड़ी पड़ी हुई है। केनिया में मुझे अरेस्ट किया था, रीज़न ये था कि वो मुझसे पैसे मांग रहे थे और मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, और यहाँ पे दिल्ली में मुझे जिस चीज़ के लिए अरेस्ट किया गया अगर वो आप जानेंगे तो बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। आप यूट्यूब पे जाइए, विफार व्लॉग्स को चेक करिए और आपको पूरा पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ पे क्यों अरेस्ट किया। आप लोगों की मुझे ज़रूरत है, अगर आप मुझे जानते हैं अच्छे तरीके से दिल्ली के आसपास हैं, आइए मुझे छुड़ाइए इस कैफ़े पे आइए, तक केज कैफे जो कि दिल्ली में है, आप ज़रूर आइए और यहाँ पे आप लोगों को भी कैद किया जाएगा, ऐसे कैद किया जाएगा और यहाँ पे आपको पनिशमेंट ये मिलेगी कि आपको खाना खिलाया जाएगा, आपको प्यार किया जाएगा, आपके साथ कोई वारदात नहीं की जाएगी, आपको कोई भी नहीं मारेगा। यहाँ के पुलिस वाले, यहाँ के ऑनर, यहाँ के खाने पीने वाले बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत प्यारे हैं सारे लोग, बहुत प्यारे हैं, मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने खाने को इंजॉय किया और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ आप कभी, क्योंकि यहाँ पे एक बार आप देखेंगे तो कंसेप्ट ही बिल्कुल डिफरेंट है जेल में खाना, यार बहुत ज़बरदस्त, मुझे तो बहुत मज़ा आया। मुझे पूरी दाढ़ी आपको भी आ जाएगी, आप घबराइएगा मत, मेरी दाढ़ी अच्छी लग रही है लगाते। ये जेल के कैदी भाईजान मेरे पास है, मुझे दाढ़ी के लिए पूछ रहे थे कि दाढ़ी में क्या लगाते हो, मैंने कहा कुछ नहीं लगाता हूँ बचपन से ऐसे ही, इनको दाढ़ी की फिक्र है कि पूरी दाढ़ी इनको चाहिए, वो आ जाएगी इंशाल्लाह आएगी। ओके, तो फिलहाल मैं निकल गया, भाई साहब मेरे पीछे पीछे आए थे, ये कैदी मेरे पीछे पीछे आए थे, इनको कह रहे थे कि इनको भी दाढ़ी ऐसी चाहिए, कैसे हो सकती है, तो मैंने कहा नेचुरली ऐसे हो जाएगी। तो फिलहाल मैं इसको कंसेप्ट को बड़ा अच्छा लगा यार, बहुत मज़े का कंसेप्ट था, द केज कैफे में यहाँ से बाहर आ चुका हूँ। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लोगों को भी अगर इंजॉय करना है प्योर वेजिटेरियन है ये, यहाँ पे आप लोग कृष्णा नगर ज़रूर आइए, आप लोकेशन चेक कर सकते हो कृष्णा नगर, आप यहाँ पर पहुँच भी सकते हो। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा है यहाँ पे? मेट्रो स्टेशन कौन सा है नियरेस्ट? ईस्ट आज़ाद नगर। ईस्ट आज़ाद नगर मेट्रो स्टेशन है तो बिल्कुल उसके पास है, तो आप लोग आइए, फूड को एंजॉय कीजिए, मज़े कीजिए, खुद भी कीजिए, सब लोगों को करवाइए, एक बार जेल का मज़ा चख लीजिए।
वैसी जेल नहीं है जैसे कि आपको पिटाई की जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको मज़ा आने वाला है। मैंने बहुत इंजॉय किया। अगर आप लोगों को भी वीडियो पसंद आएगी तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। कमेंट सेक्शन मेरा नहीं है जनाब, आप लोगों का है, भर भर के कमेंट्स कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, अब तक के लिए अपना ध्यान, फैमिली वालों का ध्यान, आस पड़ोस वालों का ध्यान ज़रूर रखें, और इंपॉर्टेंट मैसेज अपने बच्चों को फ्यूचर की इंपॉर्टेंस बताएँ, को दारू बीड़ी गुटखा तंबाकू शराब इन सारी गंदी आदतों से बचाएँ। जय हिंद।